सो हेलो गाइज, तो आज हम सिखाने वाले हैं कुछ इस टाइप का फॉरवर्डिंग। तो कुछ इस टाइप का फॉरवर्डिंग सीखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको फुल वीडियो वॉच करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने चैनल में नहीं हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पिक्चर ऐप को ओपन कर लेना। पिक्चर ऐप को ओपन करना, आपको ये वाला आपको बैकग्राउंड ऐड कर लेना। उसके बाद सिंपल आपको इधर टूल्स ऑप्शन में क्लिक करके आपको रिसाइज में क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको ना जो फोटो का हो उसका आपको रिसाइज कर लेना। चलिए मैं इसमें 3:3 डाल दिया। 3:3 डाल आपको देख सकते कुछ 25 और 9 जो हमारा कुछ जितना साइज देखने का आया है तो मुझे साइज को इधर रख लेंगे। तो चलिए मैं अपना साइज को इधर रख लेते हैं 25 और 92। हमारा कुछ जितना साइज लेने का आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली इधर चले आना होगा ऐड फोटो में। तो ऐड फोटो में आने के बाद आपको क्या करना, सिंपल आपका जो मॉडल होगा सिंपल आपका मॉडल को इधर ऐड कर लेना। चलिए मैं अपने मॉडल को इधर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मॉडल सिलेक्ट करना आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली इधर से आपको कुछ स्टेप्स आपको लगा देना होगा। तो चलिए मैं अपने मॉडल को कुछ स्टेप से इधर लगा देता हूँ। आपको कुछ स्टेप से लगा देना होगा। तो लगा देने के बाद आपको क्या करना होगा, कुछ स्टेप से लगा देने का आपको सिंपली टिक में क्लिक कर देना होगा। टिक में क्लिक करने पर क्या करना होगा, सिंपली इधर से चलाना होगा फिर से ऐड फोटो में। चलिए मैं फिर से ऐड फोटो में क्लिक कर दिया। कर देंगे सिंपल आपको ये वाला आपको पीएनजी इधर ऐड कर लेना होगा। चलिए मैं अपना पीएनजी को इधर ऐड कर लेते हैं। ऐड करना आपको इसको फुल कर देना होगा। तो फुल कर देने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली इधर में इरेज ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको इरेज ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। तो चलिए मैं इधर इरेज ऑप्शन में क्लिक कर दिया। क्लिक करके सिंपली इधर इनवेट में क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको जो पेंसिल आइकन में क्लिक करके आपको जो जहाँ जहाँ चाहिए आपको वहाँ वहाँ पेंट कर देना होगा। चलिए मैं अपने हिसाब से मुझे जहाँ जहाँ चाहे उधर मैं पेंट कर देता हूँ। तो आपको जिस स्टेप से आपको जहाँ जहाँ चाहिए आप वहाँ वहाँ पेंट कर देना। तो चलिए मैं पेंट कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा पेंट कंप्लीट हो गया लगभग। तो हो जाने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली फोटो को टिक करना है। उसके बाद आपको ओपेसिटी को हल्का सा माइनस कर लेना होगा कुछ इतना। तो ओपेसिटी माइनस करना होगा आपको कुछ इतना। तो माइनस कर लेने के बाद क्या करना होगा, आपको सिंपली इधर फोटो को आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको इधर टिक कर देना होगा। तो चलिए मैं फोटो को इधर टिक कर लेता हूँ। तो फोटो टिक करने के बाद क्या करना, आपको सिंपली आपको फिर से चलाना होगा ऐड फोटो में। चलिए मैं फिर से इधर ऐड फोटो में क्लिक कर देता हूँ। तो ऐड फोटो में क्लिक करने पर क्या करना, आपको सिंपली इधर से ये पीएनजी आपको ऐड कर लेना होगा। चलिए मैं अपना पीएनजी को इधर ऐड कर लिया। तो ऐड करने पर कुछ स्टेप से इधर लगा देना होगा आपको कॉर्नर में। तो लगा देने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली इधर से ढूंढ लेना होगा इफेक्ट ऑप्शन। तो चलिए मैं अपने इफेक्ट ऑप्शन को इधर से ढूंढ लेता हूँ साइड से। तो देख सकते हैं हमारे इधर इफेक्ट ऑप्शन, इस पर इफेक्ट ऑप्शन में क्लिक कर सिंपल आपको ब्लर को चूज करके आपको सिंपल इधर से ब्लर कर लेना होगा। तो चलिए मैं दूसरा नंबर वाला ब्लर को चूज कर लिया। उसके बाद आपको ओपेसिटी को आपको हल्का सा कम करना होगा। ब्लर का ओपेसिटी को आपको जितना रखना होगा आपको कुछ इस टाइप से इधर लगाना होगा। लगा देने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको सिंपल इसको टिक कर देना होगा। टिक कर देने के बाद आपको क्या करना, आपको सिंपल आपको फिर से चलाना होगा इधर ऐड फोटो में। तो चलिए मैं ऐड फोटो में क्लिक कर दूँ। उसके बाद आपको ये दो पीएनजी इधर ऐड कर लेना होगा। तो चलिए मैं अपना पीएनजी को इधर ऐड कर लेता हूँ। तो आपको ये वाला और ये वाला आपको पीएनजी इधर ऐड कर लेना होगा। तो ऐड करने पर क्या करना, आपको ये होली वाला पीएनजी आपको ऊपर लगा लेना होगा कुछ इस टाइप से। तो चलिए मैं लगा दे के दिखा देता हूँ आपको कुछ इस टाइप से। आपको ऊपर की तरफ ये इसको लगा देना। उसके बाद आपको ये पीएनजी आपको सिलेक्ट करके आपको कुछ इस टाइप से आपको इधर लगा देना होगा। इसको लगा देना होगा, इसको थोड़ा सा लंबा कर लेना होगा। उसके बाद आपको कुछ इस टाइप से लगाना होगा। तो लगा देने के बाद आपको क्या करना होगा, जैसे आपको ढूंढ लेना होगा ब्लेंडिंग। तो ब्लेंडिंग में क्लिक करके इसको कर देना होगा मल्टीप्ले। तो मल्टीप्ले कर देने के बाद हमारा फोटो कुछ ऐसे लुक में आ जाएगा। तो आ जाने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली आपको क्या करना होगा, आपको चले आना होगा इधर से ओपेसिटी में। ओपेसिटी को आपको हल्का सा माइनस कर देना होगा कुछ इतना। तो कुछ इतना हमारा लुक में आ गया फोटो। तो कुछ इस इतना कम हो जाने के बाद आपको सिंपल आपको टिक कर देना फोटो को। टिक कर देने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली इधर से ढूंढ लेना होगा ड्रॉ टूल। तो चलिए मैं अपने ड्रॉ टूल के इधर से ढूंढ लेता हूँ। तो ड्रॉ टूल में ढूंढने के बाद आपको सिंपली इधर ड्रॉ टूल में क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको 3 डॉट ऑप्शन मिल जाएगा साइड में, उसमें क्लिक करके आपको फोटो को सेव इमेज कर लेना होगा। तो सेव इमेज करने को फोटो को लेकर चलेंगे लाइट रूम ऐप में। चलिए मैं लाइट रूम ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं हमारा लाइट रूम ऐप ओपन हो गया। हो जाने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली इधर से अपने फोटो को सिलेक्ट कर लेना होगा। तो हम अपने फोटो को इधर सिलेक्ट कर लिया। तो क्लिक कर लेने के बाद आपको करना, सिंपली इधर से लाइट ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। लाइट ऑप्शन में क्लिक करना, आपको कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा प्लस कर लेना होगा। उसके बाद आपको चलाना होगा शैडो में। तो शैडो को क्या करना होगा, सिंपली इसको हल्का सा माइनस स्केल ला देना होगा। तो इतना कम हो जाने के बाद आपको क्या करना, सिंपली इधर से कलर ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। कलर ऑप्शन के लिए सिंपली इधर मिक्स में क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको ऑरेंज कलर में सिलेक्ट करके आपको सैचुरेशन का हल्का माइनस कर लेना होगा और ह्यू का हल्का सा प्लस कर लेना होगा।
इतना कम हो जाने के बाद कुछ चलन होगा येलो कलर में। चलिए मैं येलो कलर में इधर क्लिक कर देता हूँ। येलो कलर में क्लिक किया, ह्यू को हल्का सा प्लस, सेचुरेशन को हल्का सा प्लस और ल्यूमिनेंस को हल्का सा माइनस कर देना होगा। तो इतना कम हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली इधर से चले जाना होगा ब्लू कलर में। तो ब्लू कलर में आ जाएंगे, ह्यू को थोड़ा सा प्लस करना है, सेचुरेशन को थोड़ा सा प्लस करके ल्यूमिनेंस को आपको हल्का सा माइनस कर देना होगा। तो इतना कम हो जाएंगे, देख सकते हैं हमारा फोटो कितना अच्छा लुक में आ चुका है। तो आ जाने के बाद आपको सिंपली बैक चले, तो बैक आ जाने के बाद आपको सेचुरेशन को क्या करना है, सेचुरेशन को आपको हल्का सा माइनस करना होगा और आपको वाइब्रेशन को आपको हल्का सा प्लस कर लेना होगा। तो इतना कम हो जाने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो फोटो है कितना अच्छा लुक में आ चुका है। उसके बाद आपको इफेक्ट ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको क्लियरिटी को हल्का सा प्लस करना होगा और वाइब्रेशन को आपको हल्का सा माइनस कर देना होगा कुछ इतना। तो इतना कम हो जाने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो फोटो है वो कितना अच्छा लुक में एच डी लुक में आ चुका है। तो देख सकते हैं हमारा फोटो कुछ कितना अच्छा हो चुका है। तो इतना कम हो जाने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली ऊपर में एक शेयर वाला ऑप्शन मिल जाए, उसमें क्लिक करके आपको फोटो को सेव टू डिवाइस कर लेना होगा। तो एडिटिंग कैसे लगा कमेंट में बता दीजिए, और ऐसे न्यू और ट्रेंडिंग फोटो एडिटिंग सीखना चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली नेक्स्ट ट्रेंडिंग फोटो एडिटिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।